सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया कि क्लास 1-5 के लिए बीएड वाले योग्य नहीं होंगे, इस आदेश के बाद से अभी तक बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री का कोई बयान अभी तक नहीं आया है इससे संबंधित, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लाखों परीक्षार्थी जो बीएड वाले हैं असमंजस की स्थिति में है कि उनके साथ क्या होगा। बीपीएससी ने एक आंकड़ा बताया 3,90,000 के आसपास है, लगभग 4 लाख हुआ, तो ये 4 लाख अभ्यर्थी परेशान है और कोई भी इस पे बयान देने को तैयार नहीं है, परीक्षार्थियों के दुख दर्द को समझने को तैयार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि 1-5 के लिए बीएड वाले योग्य नहीं होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है 1,70,000 सीटों पे, और उसमें 1-5 के लिए जो 4 लाख बीएड वाले हैं, तो क्या 4 लाख जो बीएड वाले हैं वो जब परीक्षा में शामिल होंगे बीपीएससी की परीक्षा में शिक्षक बहाली में, और जब रिजल्ट आएगा और उस मेरिट में अगर बीएड वाले सम्मिलित होते हैं मार्क्स के आधार पे, जो बीपीएससी से परीक्षा हो रही है उसमें जो मार्क्स उनको आएगा उस मार्क्स के आधार पे अगर वो मेरिट में शामिल होते हैं बीएड वाले क्लास 1-5 में, तो क्या उनको नौकरी बिहार सरकार देगी या नहीं देगी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को यह तो स्पष्ट करना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ कि आप परीक्षा ले रहे हैं लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दे रहे हैं कि आप उनको नौकरी दीजिएगा अगर वो मेरिट में आ जाते हैं, तो फिर उनके परीक्षा लेने का क्या मतलब। तो बीएड वालों की परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं, आप पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दीजिए ना। जब तक ये स्पष्ट न हो जाए कि बीएड वाले शिक्षक बन सकते हैं 1-5 के लिए या नहीं, तब तक 1-5 की परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है। 1-5 की परीक्षा को तत्काल स्थगित कर दिया जाना चाहिए, बाकी 9th, 10th, 11th, 12th की परीक्षा लीजिए, जैसे उसका शेड्यूल जारी है वैसे लीजिए, जैसे उसका कार्यक्रम है वैसे आप लीजिए, लेकिन 1-5 के लिए जब तक सरकार यह स्थिति स्पष्ट न कर दे कि बीएड वालों जो 1-5 में भरे हैं फॉर्म, जो 4 लाख लगभग संख्या है, उनको हम नौकरी देंगे या नहीं अगर मेरिट में वो आते हैं, तो जब तक यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक 1-5 की परीक्षा को रोक देना चाहिए। आप परीक्षा ले लीजिएगा बीएड वालों की भी 1-5 में, और उसके बाद आप मेरिट लिस्ट में कहिएगा कि नहीं हम शामिल करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो फिर इन लोगों की परीक्षा लेने का क्या मतलब। ये जो आने जाने में खर्च होगा, परेशानी होगी, रहने में खर्च होगा, तो अभी ही आप बता दीजिए ना, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई राजस्थान से, कोई कहीं से आके परीक्षा देने जाएंगे, तो अभी ही आप बता दीजिए। तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को सबसे पहले यह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि बीएड वाले जो क्लास 1-5 के लिए फॉर्म भरे हैं शिक्षक बहाली में, तो अगर वो मेरिट लिस्ट में आते भी हैं तो क्या उनको नौकरी देगी सरकार या नहीं देगी, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर उस समय कह देंगे कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो अभी ही आप बता दीजिए। तो जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाए कि आप बीएड वालों को 1-5 में नौकरी देंगे या नहीं देंगे, तब तक 1-5 की परीक्षा को स्थगित कर देना चाहिए, नहीं तो फिर बीएड वाले क्यों परेशान होंगे। और क्या सरकार इसलिए परीक्षा आयोजित करवाना चाह रही है कि अगर परीक्षा आप नहीं लीजिएगा बीएड वालों की तो आपको पैसा वापस करना पड़ जाएगा, जो 4 लाख लगभग संख्या है इनकी, तो इनको इनका जो फॉर्म भरने में फी लगा है तो पैसा वापस करना पड़ेगा, इसलिए आप चाहते हैं कि परीक्षा ले लें और उसके बाद मेरिट लिस्ट जब आएगा उस समय कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो ऐसा करके आप लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप अभी ही बता दीजिए, कम से कम उनका 600-700 रुपया फॉर्म भरने में लगा है, कम से कम अभी जो परीक्षा देने वो जाएंगे, फिर आएंगे परीक्षा सेंटर पे जाएंगे, फिर वहां पे रहेंगे, होटल बुक करेंगे, तो वो सब खर्च तो उनको बच जाएगा। अभी भी कम से कम 4,000-5,000 उनको खर्च होगा, तो वो खर्च तो उनका बच जाएगा। तो अभी ही शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ये स्पष्ट कर दें कि आप बीएड वाले को क्लास 1-5 में अगर वो सिलेक्ट होते हैं मेरिट में आते तो उनको नौकरी दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, ये स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। और बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से हमारा सवाल है कि आपने 6-8 की वैकेंसी क्यों नहीं निकाला। उस समय हम लोग चिल्ला कर कह रहे थे 6-8 की वैकेंसी निकालिए, अभी भी आप 6-8 की वैकेंसी अगर निकाल देते हैं तो जो बीएड वाले क्लास 1-5 में फॉर्म भरे हैं अगर वो सीटेट पास होंगे, पेपर 2 पास होंगे, तो उनको मौका मिल जाएगा, वो 6-8 के लिए फॉर्म भर सकते हैं, तो आप ऐसा अभी भी कर सकते हैं। साथ ही एसटीईटी में अपियरिंग में भी फॉर्म भरने का आपको मौका देना चाहिए और मौका दीजिए। तो बिहार सरकार से, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप क्लास 1-5 में बीएड वालों को नौकरी देंगे या नहीं देंगे ये स्पष्ट कीजिए, उसके बाद ही आप क्लास 1-5 की परीक्षा लीजिए, अन्यथा जो 4 लाख संख्या है बीएड वालों की उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय तो हो ही रहा है, आगे और भी अन्याय होता जाएगा।